नमस्कार दोस्तों, ई सक्सेस पॉइंट की तरफ से अगला वीडियो जिसमें लाया गया है यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम का सोल्यूशन जो 11 अक्टूबर को हुआ था, इसका ऑफिशियल आंसर की आज आयोग 13 अक्टूबर को जारी कर दिया है। इसका सेट बी के पेपर का सोल्यूशन मैं आयोग के आंसर की द्वारा लाया हूं। इसके आंसर्स की जांच जल्दी से जल्दी कर लें और मिला लें कितने क्वेश्चन सही हुआ है, कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल ई सक्सेस पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं इस पेपर का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा एक नदी हिमालय ट्रांस हिमालय नदी है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी सतलज। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोग ने जवाब दिया है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। कुल आबादी 70% है और लगभग 30% आबादी जो है वो बाहर रहती है। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आयोग ने जवाब दिया है सी। और निम्नलिखित ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 4 जून 2020 की मेजबानी किसने की? तो ये किया यूनाइटेड किंगडम ने, ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साला झील अरुणाचल, बटखल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, कालीवेली झील तमिलनाडु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही है, अपतटीय गश्ती जहाज। और ये दो कथन हैं, अहमदाबाद भारत में सूत्री वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उद्यान क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए गलत है और आर सही है, यानी एसर्शन सही है रीज़न गलत है, एसर्शन गलत है रीज़न सही है, ये गलत है और ये सही है। निम्नलिखित में किस राज्य ने एक पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की? तो किया हरियाणा ने। और कौन सी नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो यह है हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन बी था। आंसर्स को मैच कर लीजिए, क्वेश्चन के साथ आंसर हैं। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के लिए 3 नए चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। तो ये किया कोलकाता, नोएडा और मुंबई में, ऑप्शन बी। फिर मिलान का क्वेश्चन है, तो इसका सही मिलान है ऑप्शन ए, 4321। बारहवां, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में बनाया गया नया? तो ये था कुशीनगर हवाई अड्डा, ऑप्शन डी। 13वां, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला और तीसरा सही सुमेलित नहीं है, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, ऑप्शन सी। और किस देश ने संयुक्त सुरक्षा परिषद से अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया? तो नहीं ध्यान दीजिएगा, तो था कनाडा। और कांगड़ा घाटी स्थित है, तो ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच, ऑप्शन बी सही है। 29 जुलाई 2020 में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, तो ये कस्तूरी रंगन समिति द्वारा था और 38 साल पुराना बताया था, तो ये 38 साल नहीं था बल्कि 32 साल था, तो केवल एक सही होगा। यमुना नदी की सहायक नदियों का क्रम था, तो पहले चंबल, सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, ऑप्शन ए। और किस राज्य और संघ क्षेत्र द्वारा विद्युत चलित वाहन नीति घोषणा की गई? तो ये दिल्ली द्वारा की गई। और कौन सा मैच सही सुमेलित नहीं है? तो जर्मनी और नॉर्मंडी, ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। और फूड विजन 2050 पुरस्कार किसको दिया गया? तो नांदी फाउंडेशन को दिया गया। 21वां क्वेश्चन, ताजे खट्टे फलों के उत्पादन के भूमध्य सागरी प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। और कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए मालवाहक जहाज चलाई गई, तो कहाँ से होकर गुजरता है भेजा गया? तो ये था चट्टोग्राम, चिटगांव। क्वेश्चन देखिए आपके पास सही, मैं आंसर पे ध्यान दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 का सलूशन है, ये देखिए 3421, बेगुओ फिलिस्तीन, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन और विली विलेज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया अशोक साहनी को, ऑप्शन डी सही है। और डार्लिंग श्रृंखला तट कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिमी तट पर है, ये भी ऑप्शन डी सही है। सुपोषण यूट्रिफिकेशन के लिए कौन सा कथन सही है, तो ये भी एक और दो दोनों। और हिंद महासागरी धारा है इसमें कौन सी, तो अग्लोहास धारा है, ऑप्शन सी सही है। और ये क्रम था देखिए, तो सबसे पहले आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 86 में, फिर आपका आया प्रोजेक्ट टाइगर, सॉरी माफ़ करिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में, प्रोजेक्ट टाइगर भी 73 में आया, प्रोजेक्ट हाथी 91 में आया, फिर जैव विविधता अधिनियम सन 2000 में आया, तो ऑप्शन सी सही है। ये 29 का मिलान देखिए, 4-3 यहूदी का इसराइल, टेडा का लीबिया और बेजा का मिस्र और लूर का ईरान, तो ऑप्शन डी सही है इसका। एक पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से होकर पोषक तत्वों का गुजरना है, जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और इसका में कौन सा सही सुमेलित है, नहीं है, नहीं पूछा था, नॉट करेक्टली मैच पूछा था, तो केप वर्डो बोमाको, ये गलत मैच है। और मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। और दक्षिण अफ्रीका के पोस्टमबर्ग और उसके समीप में किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, तो मैंगनीज। और ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर अभाव हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो कितना टेम्परेचर होगा, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी। फिर मिलान का क्वेश्चन था, मिलान के काफ़ी क्वेश्चन आए थे और काफ़ी टफ भी थे, तो एटलस है मोरक्को में, और किलिमंजारो आपको पता है अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी तंजानिया में, चिम्ब्रोजो इक्वाडोर में, और पायरेनीज फ्रांस और स्पेन बॉर्डर पे, ऑप्शन ए सही है इसका। और 36वां का सही आंसर है सीयर। और मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन, सी इसका आंसर है बी। प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान है, तो मायोग्लोबिन, ऑप्शन डी सही है। और इसमें कौन सा भूमध्य सागरीय प्रदेश नहीं, तो भूमध्य सागर और गिनी और रवांडा नहीं है, इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीन के भीतर अनुक्रम में आधार के परिवर्तन कहलाता है, तो म्यूटेशन उत्परिवर्तन। और संविधान के किस रात में भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रबंध है, तो भाग 9 में है, ऑप्शन ए सही है। और फायर अलार्म में क्या लगता है, ये भी ऑप्शन ए सही है, फोटो सेल। और भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो 1992 में जोड़ा गया, ऑप्शन सी सही है, जब पंचायती राज और नगर निगम को जोड़ा गया अनुसूची 11 और 12 में। निम्नलिखित कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो नियोप्रीन जो एक रबड़ होता है। और कौन सा संविधान 3 के तहत एक कानून द्वारा संभव नहीं है, तो नए राज्यों का प्रवेश, ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन बी। और मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन किस अंग से स्टार्ट होता है, तो ये आमाशय से, दैट इज स्टमक, ऑप्शन डी सही है। कौन सा पदाधिकारियों के हटाने में भूमिका नहीं होती है, तो केवल यूपीएससी के चेयरमैन को नहीं हटा सकता है संसद, बाकी सबको हटा सकता है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। मानव आहार में पॉलिश किए चावल को निम्नलिखित रोग हो जाता है, ये होता है बेरी बेरी। और पंचायतों के लिए सभी निर्वाचन के अधीक्षण निरीक्षण नियंत्रित होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग में, इसका आंसर भी डी है और इसका आंसर भी डी है, 48 का डी और 49 का डी। कौन से विटामिन मनुष्य के लिए जिम्मेदार है, मनुष्य में रक्त अल्पता के लिए जिम्मेदार है, ब्लड कोगुलेशन, तो विटामिन के, ऑप्शन ए सही है। और कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, थोड़ा सा कट गया साइड का, तो देखिएगा ये इसका ऑप्शन डी सही है, कोई इसमें से नहीं है। और मानव मस्तिष्क के बारे में कथनों पर विचार करिए, तो हृदय गति नियंत्रित भी करता है और शरीर का संतुलन को भी बनाए रखता है, एक और दो दोनों सही हैं। और इसमें देखिए कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो ये 323A मैच नहीं कर रहा था, ऑप्शन सी, जिसमें आयोग से मुझे थोड़ा डाउट भी है, प्रॉबेबली इसका आंसर ए भी हो सकता है। और निम्नलिखित कौन सा पदार्थ विश्व प्राप्त किया जाता है, तो ये हींग। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करिए, तो अभी करंट में है ममता शर्मा, उससे पहले थे गिरजा व्यास, तो ऑप्शन डी सही है इसका,
और कथन कारण का फिर एक क्वेश्चन, इसमें भी ऑप्शन बी दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। भारतीय संविधान के 371 नियम के अंतर्गत किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान है, तो हैदराबाद और कर्नाटक, ऑप्शन बी। और ये देखिए इसका भी मैच मेकिंग था, सोडियम को चाकू से आसानी काटा जाता, पारा कमरे के ताप पर द्रव है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है और लेड एक कुचालक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें कौन सा मैच में एक नहीं है, तो भारत का महान्यायवादी जो भाग पाँच में है ये गलत है, ऑप्शन सी इसका सही है। और कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो फाइब्राइन इज नॉट ए सिंथेटिक प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राकलन समिति होती है, ऑप्शन बी। फिर मैच मेकिंग क्वेश्चन है, तो नीला तोता लाल स्याही नहीं, कवकनाशी योशिन लाल स्याही होता है, तो 2314 ऑप्शन सी इज करेक्ट। और निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो भाग दो अनुच्छेद 5 से 11। और यूपी का कौन सा स्थान था इस बार सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में, तो था अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर कैटेगरी का था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर देखिए कथन कारण, दोनों ही कथन और कारण सही हैं राजनीतिक व्यवस्था वाले, और स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे आप, इसको आंसर को मैच कर लिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में कौन सा विरासत शहर और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो वाराणसी और मथुरा किया गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी माफ करिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। और मुख्यमंत्री सहित मिनिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 12 मंत्री हो सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और राज्य के प्रजनन के प्रतिस्थापन दर तक पहुंचने के लिए कुल प्रजनन दर TFR होनी चाहिए, तो 2.1 ऑप्शन सी। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय संविधान के आधारभूत सिद्धांत के बारे में स्पष्ट किया, तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत में गरीबी रेखा के हेतु निम्नलिखित से कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं, तो आयोग ने इसका जवाब दिया है, कि सिर गणना, कैलोरी, प्रभारी प्रति व्यक्ति आय हटा दिया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 48 जो दिया हुआ है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत दिया हुआ है, तो यहाँ के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ प्रति व्यक्ति लिखा हुआ था, प्रति परिवार था 5 लाख रुपए, तो ये गलत था स्टेटमेंट, ये सही था, तो ऑप्शन ए माफ़ करिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और महान्यायवादी के लिए राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति नियुक्ति करे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता रखता हो, तो वो महान्यायवादी हो सकता है। वो पारिश्रमिक संसद अवधारित नहीं करती है बल्कि राष्ट्रपति अवधारित करता है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन सी, सांस्कृतिक अखंडता और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने हो, तो पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। और ये भी कथन कारण का है, तो दोनों सही हैं, अर्धसंघात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन दोनों का ए का सही व्याख्या आर नहीं करता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हौसला के बारे में देखिए आया था, तो हौसला 2018 द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया और बच्चों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय उत्सव था, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दोनों। राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है सामान्य विधेयक के केस में, और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2024 तक, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार प्रयुक्त असाधारण शक्तियों का विधिक अधिकार में पालन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और मानव गरीबी सूचकांक के लिए 1997 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को बहुआयामी गरीब सूचकांक से प्रतिस्थापित किया गया 2010 में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर मिलान का क्वेश्चन था, तो देखिए अनुच्छेद 61 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना,
माफ करिएगा, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, और 94 उपराष्ट्रपति को हटाना, 90 राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये गलत है आंसर, क्योंकि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो आर्टिकल अनुच्छेद 61 से लगता है। ठीक है, इसके आंसर पे आयोग की तरफ से डाउट है, जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा 2020-30 अवधि के लिए प्रारंभ किया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ये गलत है, किंतु आर सही है। और भारतीय की संविधान सभा ने झंडा को राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, तिरंगा झंडा को 22 जुलाई 1947 पिंगली वेंकैया ने झंडे का डिज़ाइन किया था। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और ये भी 84वें क्वेश्चन का भी आंसर आयोग की तरफ से मुझे डाउट है, क्योंकि कह रहे हैं कि 2019 77वां स्थान था और अभी 63वां नहीं है, तो इस पे डाउट बना हुआ है। वैसे आयोग ने इसका आंसर भी दिया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। और केंद्रीय बजट ने FDI निवेश को कितना बढ़ा दिया है पोर्टफोलियो में, तो 15%। विकास अन्वेक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वेक्षण करता है, निम्नलिखित में किस कार्यालय के अंतर्गत आता है, तो नीति आयोग। और फिर देखिए मैच मेकिंग था, तो ये था 2431 ऑप्शन डी। जन आरोग्य योजना 2018, PMY वंदन योजना 2014, प्रोत्साहन योजना 2017, और ये 2015। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सारे आंसर आयोग द्वारा दिए गए हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगारों के लिए राष्ट्रीय पेंशन के बारे में सही नहीं है, तो वो राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र नहीं हैं, इसके पात्र हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि NPS वाले ही इसको फ़ायदा उठा सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट था। और कौन सा प्राकृतिक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड देखिए लिखा हुआ था, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड लिखा होता तो हो जाता वो ग्रीन हाउस गैस, तो ये गलत जवाब था। तो ऑप्शन ए सही है इसका। और सामान्यतः पर्यावरण में निम्न किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, कि कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है, तो परिचालन पर्यावरण, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट और निधि कार्यक्रम के बारे में, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो बेनेट ने प्रस्तुत की, ऑप्शन बी। और बजट का क्वेश्चन देखिएगा, दोनों ही कथन कारण सही हैं। और ये भी देखिए, वैश्विक तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, चारों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ट्रैवल एंड टूरिज्म रैंकिंग जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये ऑर्डर देखिए, सबसे पहले हुआ था द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, उस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। और इसमें भी देखिए रैंकिंग थी, तो सबसे पहले नाबार्ड 1982 में आया, हमको पता है जैसे। फिर क्रेशन, फिर आया आपका, सॉरी पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आया 1969 में, तो पहले 4 आएगा फिर 1 आएगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो हरियाणा का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मैंने अपना भी आंसर जारी किया था, लगभग आंसर मैच कर रहे हैं, अभी ऑफिशियल गी के आंसर है। हमारे चैनल से और वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 100वां क्वेश्चन देखिए, कौशल भारत के लिए पहला स्टेटमेंट सही है कि 2015 में लॉन्च किया गया, और सूचना तकनीक के बारे में जानकारी देता है, तो ऐसा नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में लॉन्च किया गया, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
किस वंश के शासकों में को श्री परवर्ती कहा गया? तो इक्ष्वाकु वंश के। और मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के साथ गरीबी रेखा का निर्धारण किया अलग समिति ने, ऑप्शन ए। एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मार्ग निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। और एसटीआई निम्नलिखित किसमें सम्मिलित नहीं किया? तो सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वलिटी को नहीं कंसीडर करता। फिर मिलान का क्वेश्चन था, देखिए सूरसेन मथुरा हो जाएगा और मत्स्य हो जाएगा विराटनगर, कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, अस्मक हो जाएगा पोतन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया? ऑस्कर लुईस ने, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और फिर कथन कारण है, चोल वाले दोनों स्टेटमेंट सही थे, इसको आप मैच कर लीजिए, पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। 20वीं सदी के 80 के दशकों में मध्य विकास के नकारात्मक अक्षों पर विस्तार कीजिए। तो ये था, इसमें राजनीतिक और विकास इसका महत्वपूर्ण कारण नहीं था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और भीम बेट का गुफाओं को, शैल चित्रों को, प्रगतिहासिक महत्व को खोजा? तो 1959 में वीएस वाकंकर ने ढूंढा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो यूपी के कुल 10 शहर हैं। और ये भी मैच मेकिंग था, तो ये ए का 3, बी का 2 जम्मू कश्मीर, सी का 4 और डी का 1 उल्लास यूपी में लखनऊ के पास, ऑप्शन डी। वर्ष 1987 में जो संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण संबंधी प्रतिवेदन हुआ था, उसके उपरांत धारणी विकास की चर्चा आरंभ हुई। प्रतिवेदन था अवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन बी। और मुल्तान के सूर्य मंदिर वाला देखिए स्टेटमेंट, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अटल नवोमिस मिशन किस विभाग की प्रमुख खल है? तो ये नीति आयोग की है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया? तो ये भेजा गया वीपी वाडिया को। और साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक लिखा रिचल कार्सन ने। एक्सला सैपल 1748 जो अंग्रेजों ने संधि की थी, इससे प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गए। तो अंग्रेज और फ्रेंच युद्ध जो हुए थे उसकी संधि थी, पहली संधि थी ये। तो इसके दोनों स्टेटमेंट, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, इस पर डाउट है, चेक कर लेंगे इसे। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो परिवार नियोजन नहीं आता, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और 120 में आंसर देखिए 2143 करेक्ट मैच। निम्नलिखित में से ये भी मिलान देखिए, तो 43 सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी और उत्तर वैदिक समाज एक कृषि सभ्यता थी, ऋग्वैदिक चारगाह थी और जमींदारी थी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और सिक्किम का भारत में विलय देखा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड डलोजी ने, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और कानपुर लखनऊ 10 लाखी नगर बने 1971-81 में क्रमशः, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और निम्नलिखित नेताओं में कौन द्वितीय गोलमेज आंदोलन भाग नहीं लिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इन्होंने भाग नहीं लिया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और सूची 1 से सूची 2 का मिलान, तो जजमानी उत्तर प्रदेश, बारा बलूट महाराष्ट्र और मिर्सी कर्नाटक, अडाडे तमिलनाडु, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 126 का मैच करिए, तो देखिए इसका ये आंसर सही है, द स्टोरी ऑफ, देखिए गीता रहस्य जो लिखा था वो लाला लाजपत राय ने लिखा है, इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। गीता रहस्य लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, यानी बी का 4 और इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, और डी का 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सीमांत व्यक्ति का
संकल्पना प्रतिवेदन किया रॉबर्ट ई पार्क ने, और 1755 में डिंडीगल मशहूर आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की, टीपू सुल्तान के फादर ने। और वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण नहीं है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन डी आयोग ने सही माना है। और 130 का सही जवाब है कि ब्रिटिश सरकार भारत में अलग अलग भू राज व्यवस्था करती थी और किसानों से अलग अलग समुदाय भी बन गए थे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोथ ऑप्शन आर राइट एसर्शन रीजन। और भारत में 2020 में निम्नलिखित स्थानों रेल संग्रहालय की राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो हुबली। और ये देखिए कालक्रम का क्वेश्चन था, सबसे पहले किताब उल हिंद अल बरूनी के समय में लिखा गया, फिर पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और 133 में जुलाई 2020 में मंगलयान भेजा संयुक्त अरब अमीरात ने, होप नाम का ये मंगलयान था। औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा शासन थे अबुल हसन कुतुब शाह, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और भारत के निम्नलिखित पड़ोसियों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया, जो बांग्लादेश ने लगाया। कथन कारण के फिर से क्वेश्चन अकबर के से रिलेटेड थे, दोनों स्टेटमेंट सही थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये सबमिट का क्वेश्चन था, इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा ये थीम गलत दिया हुआ था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर मिलान का क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। माफ करिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में किसने में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया, तो प्रयागराज, इलाहाबाद। और कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी गलत सुमेलित था। और 2021 चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा द्वारा की जाएगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मुगलकालीन नहर का निर्माण शहाब नहर के नाम से किया गया दोबारा। और नैसडेक में शामिल फुटबॉल क्लब मोहन बागान, किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। भारत की पहली किसान रेल चली देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर के बीच में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और 2018 में फ्रांस के सहयोग से बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में खोला गया, स्थापित किया गया। और 147 का सही मिलान गलत है, तो ये ईस्ट एशिया वाला सही सुमेलित नहीं है। और यूपी के 6 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। और भारत के निम्नलिखित राज्यों में कोविड-19 अवधि के में पहली बार ई लोक अदालत शुरू हुई, तो छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हुआ। और निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है, तो यह है रंगमा, ऑप्शन बी। तो ये था सोल्यूशन UPPCS 2020 प्री के पेपर 1 GS का, जिसका सेट बी का सोल्यूशन है। ये सारे आंसर की UPPSC आयोग द्वारा बताए गए आंसर की से मैंने बताए हैं, आप अपने क्वेश्चंस को मिला लें और मेरे चैनल ई सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इससे और वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।